टेलीविजन का उत्तर प्रदेश असल उत्तर प्रदेश से बहुत अलग है। तो भले मरीन ड्राइव गोमती नगर लखनऊ लखनऊ की हेरिटेज और कल्चर का चैनल है, क्योंकि हमारे साथ 130,000 भाई जुड़े हुए हैं और हमें उत्तर प्रदेश के हेरिटेज की भी मालूमात है, तो शायद ये आंसर देने के लिए हम एक एबल पर्सन होंगे जो टॉपिक अभी है। तो जब हम टेलीविजन की बात करते हैं तो बात होती है जो फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है या जो नेटफ्लिक्स के लड़ाई झगड़े वाले जो नाटक होते हैं उसमें जब उत्तर प्रदेश को दिखाया जाता है। और ये वीडियो हम ऐसे ही नहीं बना रहे हैं, कई बहुत सारे हमारे पास ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जो बाकी राज्यों के यंगस्टर्स हैं या लोग हैं, तो वो हमें कहते हैं कि भाई हम लखनऊ ज़रूर घूमने आएंगे, हमने आपकी वीडियो देखी और हमें लगता था कि यहाँ पे तो सेफ़ नहीं है, यहाँ पे तो ये है वो है, लड़ाई झगड़े वाली मतलब उस तरह के लोग हैं, मगर जब आपका वीडियो देखा तो समझ में आया नहीं यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये जो जब आप कोई मूवी देखते हैं और वो देखते हैं, तो अब हम लोग तो उत्तर प्रदेश के हैं, लखनऊ के हैं, तो हमें पता है, मगर कोई तीसरा आदमी जो दूसरे प्रदेश का होता है तो वो जब देखता है कि यहाँ पे ऐसा आदमी बोल रहा है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मतलब ये नहीं कह रहे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मतलब यहाँ की हेरिटेज इतनी मशहूर है, यहाँ की बोली इतनी मशहूर है, यहाँ के लोग ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्हें पद्म भूषण, जिन्हें इतने पुरस्कार मिले, वो ये कहता है टेलीविज़न पे कि तुम्हें पता है मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मतलब मुझसे डरो, मैं तो एक मतलब लड़ाई झगड़े की प्रगति का आदमी हूँ, मतलब टेलीविज़न में ऐसे दिखाते हैं। और ये जो चीज़ है ये कोई ऐसा नहीं है कि एक सरकार या एक हम उसकी बात कर रहे हैं, ये हम अब 20 साल की बात कर रहे हैं, जब से हमें याद है हमने तो नहीं देखा कि लखनऊ में कोई आदमी डंडा लेके चलता है या इसी तरीके से। हो सकता है ये 20 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है, हो सकता है इसमें ऐसे ही भाई जुड़े हैं इस पेज के ऊपर जो 40 साल के 35 साल की एज के होंगे, तो आपने भी अपने पिताजी को कभी डंडा लेके तो चलते नहीं देखा होगा कि रोड पे दही लेने जा रहे हैं तो पता चला कि रास्ते में ही चौक में किसी के सर पर डंडा मार दिया, कहा कि उसकी गलती बस ये थी कि हमारे आगे गाड़ी बढ़ा दी, जैसे टेलीविज़न में दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश का आदमी तो ऐसा है कि डंडा लेके चलता है, बस रास्ते में लड़ाई करनी है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी लखनऊ का आदमी है तो वो आपसे थोड़ा प्यार से बात करे तो आप उसके ऊपर भरोसा कर लें। भाई हर जगह पे अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। और जो इस वीडियो का ये भी वो नहीं कहने का मतलब है कि क्राइम रेट और ये वो अलग टॉपिक है, कहने का मतलब खाली ये स्टीरियोटाइप करना किसी को गलत है, क्योंकि जब भी उत्तर प्रदेश की बात आती है टेलीविज़न पे, मोस्टली जो टेलीविज़न की वो सारे होते हैं जो सीरीज़ होती हैं वगैरह, तो उसमें स्टीरियोटाइप ऐसे किया जाता है कि यूपी का आदमी है तो मतलब उसकी वो एक हुड़दंगी टाइप का आदमी होगा जो लड़ाई झगड़ा जिसको अरे भागते हैं पानी आ रहा है, तो जो लड़ाई झगड़ा जिसको फौरन करने में इंटरेस्ट होगा, बट ये उसके बिल्कुल ही अपोजिट है, विपरीत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो जैसे बाकी जगहों के लोग होते हैं, अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, नॉर्मल जा रहे हैं, रोड के ऊपर भी ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है, अगर आप लखनऊ के नहीं हैं और उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, उस चीज़ को समझिए। बहुत आसान होता है किसी भी राज्य के आदमी को स्टीरियोटाइप कर देना कि जैसे बिहार का आदमी है तो उसको कुछ कह देना, उत्तर प्रदेश का है तो उसको स्टीरियोटाइप कर देना, ऐसा बिल्कुल गलत है। हर जगह अच्छे लोग होते हैं, हर जगह बुरे लोग होते हैं, हर स्टेट की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं क्राइम को लेके, वो एक अलग ही टॉपिक है, उसके लिए आप न्यूज़ देखिए अगर आपको उसके ऊपर ज़्यादा जानकारी चाहिए, वो हमें पता भी नहीं। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई उत्तर प्रदेश का है तो बस जो टेलीविज़न पे होता है वो गलत है। भैया पैसे कमाना है आपको, फिल्में बनाना है वो बनाइए, बट किसी एक राज्य के नाम को लेके क्यों ऐसे उसको बदनाम करते हैं भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।